नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम स्टडी ट्यूटोरियल्स में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं वो सब हम पढ़ेंगे, और कंजक्शन का वर्क क्या होता है। कंजक्शन का डेफिनेशन, अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज और टू सेंटेंस। यानी कंजक्शन एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें हम दो वर्ड्स को या दो फ्रेज को या दो सेंटेंस को जोड़ते हैं। जैसे कि द सन गिव्स अस लाइट एंड हीट। एंड क्या कर रहा है भाई, देखिए लाइट और हीट क्या है, दो वर्ड हैं, एक ये वर्ड एक ये वर्ड, और इन दोनों को जोड़ने का काम क्या कर रहा है, एंड। यानी कि जो सन है वो हमें लाइट ऊर्जा और शक्ति हीट यानी भी देता है, ऊर्जा और रोशनी दोनों देता है। यू मस्ट वर्क हार्ड और यू विल नॉट सक्सीड। आपको हार्ड वर्क करना होगा या फिर आप सक्सीड नहीं हो पाएंगे। अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपको सक्सीड जरूर मिलेगा। तो यहाँ पे जो और है ना, ये एक वर्ड है जो दो अलग अलग सेंटेंस को, एक ये, इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो अब चलते हैं काइंड ऑफ कंजक्शन। काइंड ऑफ कंजक्शन, काइंड ऑफ कंजक्शन के दो टाइप्स होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। पहला कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में एंड, बट, येट, फॉर, सो, आइदर, और, नाइदर, नॉट, एल्स, हाउएवर, ये सारे वर्ड्स जिसमें आएंगे उसे हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे एग्जांपल में आदर्श इज वेरी क्लेवर बट ही बिहेव फुलिशली। यानी आदर्श बहुत चलाक है लेकिन परंतु वो उसने फुलिशली यानी बहुत बेकार तरीके से बिहेव किया, यानी मूर्ख जैसा बिहेव किया। तो इसमें जो बट है ना वो दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, और इसमें देखिए बट है, यानी कि ये हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब इसमें सेकेंड सब और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में वाई, वेयर, व्हेन, इफ, हाउ, दैट, सो दैट, एक्सेट्रा। यानी डब्ल्यू एच वाले वर्ड्स और क्वेश्चन वर्ड्स और ऐसे वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स जैसे कि वाई, वेयर, क्यों, ये सारे वर्ड्स जिसमें आते हैं उसने कहते हैं यू विल फील टायर्ड इफ यू रन टू मच। देखिए जैसे यू फील टायर्ड, आप थक जाओगे, तुम्हें थकान महसूस होगा अगर तुम ज़्यादा दौड़ोगे, इस सेंटेंस में है। तो जो इफ है ना वो क्या कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है। यू विल फील टायर्ड, तुम्हें थकान महसूस होगा अगर यू रन टू मच, अगर तुम ज़्यादा दौड़ोगे। तो इफ क्या कर रहा है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए ये भी कंजक्शन का है और इसे कहेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। तो अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किए हैं आपने पहले से तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।